दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके घर में ऐसा टैप लगा हुआ है, ऐसा नल लगा हुआ है और इसमें से पानी बहुत ही स्लो स्लो आता है। देखिए मैंने पानी पूरा खोल दिया है और पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही स्लो आ रहा है पानी का प्रेशर जो है। तो इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो नॉर्मली जो पानी का प्रेशर दोस्तों वो ज़्यादा आता है, ये हमारा मेन टंकी का नल है, लेकिन इसमें टंकी इस समय पर फुल है लेकिन पानी का प्रेशर काफ़ी कम आ रहा है। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, पीछे प्रॉब्लम है या इस नल की प्रॉब्लम है, हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताएंगे पूरा। और इस नल को किस तरीके से आप पूरा प्रेशर से ला सकते हैं और फुल प्रेशर से किस तरीके से पानी देगा, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, अगर आपने जब तक मैं इस नल को खोलता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इस तरीके की जानकारी भरी वीडियो आप तक समय समय पर पहुँचती रहे। तो दोस्तों मैंने नल को यहाँ से खोल लिया है और देखिए आप पीछे से प्रेशर काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। नल मैंने पाइप रिंच की सहायता से खोल लिया था। अगर आपके घर में पाइप रिंच नहीं है तो आप किसी प्लायर या फिर किसी नॉर्मल रिंच की सहायता से भी आप पाइप को ये अपने नल को खोल सकते हैं। तो टेम्प्रेरी बेस पे पानी वेस्टेज रोकने के लिए मैं यहाँ पे एक दूसरा नल लगा देता हूँ। इस टैप को खोलने के लिए, जो मेटल का टैप है, इसको खोलने के लिए आपको इसके टॉप पोर्शन को खोलना होगा। सबसे पहले टॉप पोर्शन खोलने के लिए इसके ऊपर यहाँ पे एक कैप लगी हुई, तो किसी शार्प आपके स्क्रू ड्राइवर से इसको कैप को रिमूव कर दीजिए इस तरीके से। तो ये कैप रिमूव हो गई है, काफ़ी बार ये टाइट फंसी होती है तो आपको ठोक कर खोलनी पड़ेगी, तो ये खोल दीजिए। ये हमने क्यों खोली, क्योंकि इसके अंदर में यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको स्क्रू को खोलेंगे तो ये हमारा पूरा पोर्शन बाहर निकल जाएगा। तो अब हम सेकेंड टाइम इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस स्क्रू को भी हम दोस्तों खोल देते हैं। तो ये स्क्रू भी हमने खोल दिया है, अगर ये जंग लग जाती है कई बार तो इसे खोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो उस केस में आप थोड़ा इसमें केरोसिन ऑयल डालिए तो ये आसानी से खुल जाएगा। तो ये हमारा पोर्शन खुल गया है, तो इस तरीके से ये हमारा अलग हो गया पोर्शन। अब ये हमारा नल है और ये हमारा इसका जो कैप था वो कैप निकल गया है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो ये हमारा पोर्शन है दोस्तों, इसको हमको चेक करना है। पानी यहाँ से तेज़ी से आ तो रहा है लेकिन यहाँ से बाहर तेज़ी से जा नहीं रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसी पोर्शन में हमारा इशू है, कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम इस पोर्शन को खोल के देखेंगे। तो इसको खोलने के लिए आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इस पोर्शन खोलने के लिए आपको हेक्सागोनल नट दिया हुआ है, तो इसको हम प्लायर की मदद से खोलेंगे। तो प्लायर की मदद से आप इसको खोल सकते हैं, प्लायर नहीं है तो आप पाइप रिंच का या किसी रिंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोस्तों खुल गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पोर्शन होता है जो आपका इस तरीके से वर्क करता है, जब आप इसको घुमाते हैं तो इस तरीके से बंद होता है और ये खुलता है। नीचे से ये पानी आता है और इधर से पानी बाहर निकलता है। अगर यहाँ पर कोई गंदगी भर गई होगी तो ये पानी यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगा और आपका प्रॉपरली आउटलेट से पानी बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे क्या इसके अंदर कोई गंदगी तो नहीं भर गई है। तो अभी ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये तो क्लियर दिख रहा है और इसके अंदर भी कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही हो। लेकिन इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर में देखेंगे तो अंदर देखिए काफ़ी सारे छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए हैं और गंदगी है इसके अंदर, तो वो हमें साफ़ करनी होगी। उसी वजह से ये पानी, जैसे ही पानी आता है इसके अंदर, वो यहाँ भर जाते हैं और इस एरिया में भरने की वजह से ये पानी को प्रॉपरली यहाँ से आउट नहीं होने देते हैं और पानी का प्रेशर बहुत ही कम आता है। तो हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोनों ही पोर्शन को क्लीन कर लेंगे। पहले इस पीछे वाले पोर्शन को अच्छे से स्क्रू ड्राइवर डाल के साफ कर लेंगे और ऊपर टॉप के एरिया को भी हम अच्छे से साफ करेंगे। यहाँ पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ गंदगी चिपकी हुई होगी तो ये यहाँ पर वापस से जमा हो जाएगी और हमारे को जब भी हम पानी दोबारा से ऑन करेंगे तो प्रेशर नहीं आएगा प्रॉपरली। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ कोई गंदगी तो नहीं है। तो ये इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंकड़ निकले हैं, इसके अंदर पत्थर निकले हैं, तो ये पत्थर है जो इसके अंदर आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं पानी के साथ और वो पानी को अच्छे से बाहर नहीं आने देते हैं। तो और भी देखिए इसमें से गंदगी बाहर आ रही है। तो इस तरीके से प्रॉपरली इसको आप ठोक कर और दूसरे लंबे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको क्लीन कर लीजिए, जिससे कि इसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो वो वापस से इसके अंदर आके जमा हो जाएंगे और पानी को आने नहीं देंगे बाहर प्रॉपरली और हमारा प्रेशर सही नहीं आएगा।
तो लगभग हमने इसको सही कर दिया। एक बार हम इसके अंदर पानी डाल के भी इसको साफ कर लेंगे, जिससे कि पानी के कोई भी गंदगी पार्टिकल से पानी के साथ बाहर आ जाए, तो वो भी करते हैं हम अभी साफ कर लिया है। अब इसमें गंदगी नहीं है कोई भी, और अभी अच्छे से पानी इसमें सफाई हो गई है, तो पानी से सफाई कर दिए तो कोई भी गंदगी नहीं है इसके अंदर। तो अब हम इसको दोबारा से असेंबल करते हैं। तो असेंबल करने का वही तरीका है, इस पोर्शन को हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले इस पोर्शन को चेक करेंगे, इसमें कोई गंदगी ना लगी हुई हो, ये क्लीन होना चाहिए। अगर ये क्लीन नहीं होगा तो इसके ऊपर गंदगी जमा है, तो इसकी वजह से भी इश्यूज आ सकते हैं आगे चल के, पानी की टपकने की समस्या जो होती है, कई बार पानी टपकता रहता है आपके नल से, तो वो इसी वजह से होता है। अगर ये आपका प्रॉपर क्लोज कर रहे हो और ये यहाँ पर कहीं गैप रह जा रहा है, तो यहाँ से पानी लीक करता है और उस वजह से पानी प्रॉपर से नहीं आ पाता है। और अगर आपका ये पोर्शन भी प्रॉपरली बैठा नहीं है तो इसको प्रॉपरली बैठा दीजिए, नहीं तो आगे चलकर आपके पानी के प्रेशर की समस्या आ सकती है और पानी नल से हमेशा टपकता रहेगा। तो ये रबर आपका बैठना बहुत जरूरी है, पानी टपकने के लिए यही रबर जिम्मेवार होती है। इसको प्रॉपरली आप बैठा देंगे तो इस नल से फिर कभी भी पानी टपकेगा नहीं, और यहाँ से कोई भी गंदे पार्टिकल्स, मिट्टी, धूल नहीं लगी होनी चाहिए। अगर लगी है तो इसको आप थोड़ा रगड़ कर क्लीन कर दीजिए। तो अब हमारा नल क्लीन हो गया है, अब हम वापस से इसको लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये वापस से पानी का प्रेशर प्रॉपर आता है या नहीं। तो दोस्तों इसको हमने प्रॉपरली टाइट कर दिया है और अब हम चालू करके देखेंगे प्रेशर कितना आ रहा है। तो पहले प्रेशर लगभग इतना आ रहा था, अब मैं इसको पूरा ओपन करता हूँ तो देखिए दोस्तों अब पानी का प्रेशर फुल आ रहा है। तो पानी का प्रेशर फुल आ रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यही दिक्कत थी इसके अंदर प्रेशर की, और वो प्रेशर की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया।